जैसे कि आप सभी को यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा मेटा ग्रो योर बिजनेस समिट 2022, और यहाँ पे आपको नीचे लिखा भी आ रहा होगा डिस्कवर अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो योर बिजनेस विद फेसबुक इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। मतलब कि भाई ये बता रहे कि कैसे आप भाई अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, भाई थोड़ी बहुत आपको टिप्स वगैरह मिलेंगे। तो आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन भी मिल रहा होगा। तो आप सब सोच रहे भाई कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब है। अगर आपको जाना भाई थोड़ी बहुत वीडियो में तक बने रहना, बिल्कुल बिल्कुल स्किप मत करना। तो भाई इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, मैं सोचा कि भाई आप सभी लोग के लिए मैं वीडियो बना देता हूँ। तो आपको ना भाई सभी रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेना है। देखो भाई इसलिए है कि भाई यहाँ पे ना अपन को ना भाई थोड़ी टिप्स वगैरह मिलेंगी कैसे अपन अपने बिजनेस को, इंस्टाग्राम के बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ज़्यादातर भाई ये शायद उन्हीं लोग को आई होगी जिनका बिजनेस अकाउंट होगा। तो मैंने बिजनेस अकाउंट कर लिया था, शायद इस वजह से मेरे को ये आया। तो अगर आपका भी बिजनेस अकाउंट है तो आपको इस टाइप का लिखा हुआ आ रहा होगा। यहाँ पे ना आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कंट्री को ना लिख देना है। अब भाई आप कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं भाई यहाँ पे ऊपर आपको RSVP लिखा हुआ है। तो भाई RSVP मतलब होता है भाई प्लीज़ रिप्लाई, ये भाई एब्रिविएशन प्लीज़ रिप्लाई का। अब देखो भाई ऊपर आते हैं फर्स्ट नेम, तो भाई फर्स्ट नेम में अपना भाई नाम लिख दो। मैं एग्जांपल के लिए भाई कुछ भी फिल कर देता हूँ, जैसे मैं भाई राज भाई लिख देता हूँ कुछ भी ऐसे ही। अभी कि मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया, फिर मैंने लास्ट नेम भी लिख दिया, फिर मैं ईमेल लिख देता हूँ भाई जल्दी से। तो आपको भाई एक ईमेल डाल देना है जिस पर भाई इंस्टाग्राम आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। मैं भी भाई यहाँ पर आपको कंट्री लगा देनी है, इंडिया लगा देना भाई, जैसे कि मैं लगा देता हूँ जल्दी से इंडिया। तो ये मैंने इंडिया लगा दिया। अब आपको ना यहाँ पे नीचे डेटा पॉलिसी का दिख रहा होगा, अगर आप चाहो तो आप इस पर क्लिक करके और अच्छे से रीड कर सकते हो। अब अगर रजिस्टर पर क्लिक कर देना तो अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो सबमिट हो रहा। तो देखो भाई आपको यहाँ पे दिख रहा होगा RSVP सबमिटेड, थैंक यू, वी विल सी यू ऑन ट्यूसडे August 30, मतलब 30 अगस्त को भाई ये होगा। और भाई इसमें क्या होगा, ये ना भाई एक एजेंडा है, मतलब कि भाई वहाँ पे शायद मेरे हिसाब से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इंस्टाग्राम के, वो भाई वहाँ पे आएंगे और अपन को टिप्स वगैरह देंगे भाई कि कैसे अपन अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे बता रहा भाई कि तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि वो एजेंडा को स्टार्ट होने में कितना टाइम बचा हुआ। तो अभी भाई करीब 11 days 15 hours बचे हुए हैं। वो इतने टाइम के बाद जो है ना वो एजेंडा स्टार्ट होगा, 30 अगस्त को स्टार्ट होगा, जैसे कि आपको पता ही है। नीचे लिखा भी हुआ है 11 AM to 11:15 AM, मतलब 11 बजे से लेकर 11:15 तक भाई ये एजेंडा चलेगा। तो भाई आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। और आपको अगर इससे रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप भाई कमेंट करके पूछ सकते हो भाई, वरना भाई अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको यहाँ पे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल जाएगी। तो फेसबुक का तो क्या हुआ भाई, तीनों एक ही प्लेटफॉर्म है, मतलब एक ही टाइप मान लो तीनों को, क्योंकि भाई फेसबुक का भी हो रहा है, व्हाट्सएप का भी हो रहा है, इंस्टाग्राम का भी हो रहा है। तो यहाँ पे ना आप चाहो ना यहाँ पे भी आप और डिटेल से पढ़ सकते हो, आपको यहाँ पे सब कुछ दिख रहा होगा। जो सीजन 1 आ रहा है पे वॉच वीडियो, आपको इन लोग के नाम वगैरह दिख जाएंगे। तो आपने ऐसे सर्च वगैरह करके थोड़ी और नॉलेज को भाई गेन कर सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बताती हूँ, मैंने आपको सब बताई है। आपको फिर भी भाई इंस्टाग्राम से रिलेटेड या फिर यूट्यूब से रिलेटेड कुछ पूछना, जानना, फिर बताना है तो आप भाई कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। सॉरी मेरी प्रोफाइल स्क्रीन पर देख रही होगी। सो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से राइट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।